हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रिजवान खान और इस वक्त दुनिया के ऊपर एक बहुत ही खतरा देख रहे हो दुनिया के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है और मेरे ऊपर भी मंडरा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। मैं चाहता था कि हम लोग दुआ करें कि ये सारी जो प्रॉब्लम है जल्दी से सॉल्व हो और दुनिया शांति के मार्ग पर चले और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होने चाहिए। और हमारे जो इंडियन छात्र हैं जो कि अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं, मैं उनकी उनके लिए दुआ करता हूं कि वो लोग बहुत जल्द इंडिया आ पाएँ और किसी को ज़्यादा हताहत ना हो। सभी लोगों के लिए ये कठिन दौर है तो इसके लिए हम सभी लोगों को दुआ करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबरी जो कि वॉर से रिलेटेड हैं, तो ये प्लीज़ वीडियो आपको आखिर तक देखनी है। जो वोकैबरी मैं सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट इश्यूज़ पे भी हमको स्पेनिश में हो सकता है आगे चल के बात करनी पड़े, तो इसके लिए मैं कुछ वीडियोस आपके लिए लाऊंगा, एक के बाद एक लाऊंगा जिसको आपको सबको देखना है। तो इस वजह से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है, जैसा कि पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि वो मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं यूक्रेन पे। तो मिलिट्री ऑपरेशन को हम स्पेनिश में कैसे बोलते हैं? ऑपरेशन मिलिटार। और नाटो एक सैन्य समूह है यूरोपियन कंट्री और यूएसए के बीच में, तो उसको कैसे बोलते हैं? ओतान। फिर उसके बाद टैंक यानी वॉर टैंक, जो टैंक होती हैं उनको कैसे बोलेंगे? टैंके दे गेर्रा। गेर्रा वॉर को बोलते हैं, गेर्रा। और ये हो गया टैंके दे गेर्रा। फिर उसके बाद अटैक को कैसे बोलते हैं? अटैक को बोलते हैं आताके। फिर उसके बाद डीमिलिटराइजेशन, हम इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे डेस मिलिटारी शासन। ये क्या होता है? ये एक्चुअली रशिया द्वारा ये कहा गया है कि वो जो भी यूक्रेन की सैन्य शक्तियाँ हैं उनको ख़त्म कर देंगे ताकि वो नेटो कंट्रीज़ के साथ में कोई भी टाइप ना कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद है टेरिटोरियल इन्वेशन, इसको कैसे बोलेंगे? इन्वेशन टेरिटोरियल। फिर उसके बाद है डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जैसे इंडिया के रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन रशिया के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि हमारा ज़्यादातर सैन्य हथियार रशिया के साथ ही आता है और रशिया हमारा पुराना मित्र रहा है इंडिया के साथ में। और साथ ही साथ हमारा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप में कंट्रीज़ हैं, यूएसए, उसके साथ भी हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो इंडिया तो ना तो इधर का है ना इधर का है, इस वजह से दोनों से डिप्लोमेटिक रिलेशन हमको बनाने हैं। इसी वजह से इंडिया ने यूएन में वोटिंग नहीं की थी, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशन को? रिलेशंस डिप्लोमैटिकस। फिर उसके बाद यूएसए को हम कैसे बोलते हैं स्पेनिश में? एस्टादोस उनिदोस। फिर उसके बाद रशिया को बोलते हैं रूसिया। यूक्रेन को क्या बोलते हैं? उक्रानिया। फिर उसके बाद फ्रांस को फ्रांसिया। स्पेनिश को आप जानते हैं एस्पान्योल। और स्पेन को बोलते हैं एस्पानिया। फिर उसके बाद जर्मनी को बोलते हैं अलेमानिया। पोलैंड को कैसे बोलते हैं? पोलोनिया। फिर उसके बाद है बॉर्डर्स को क्या बोलते हैं? फ्रोंटेरास।
और वर्ल्ड वॉर को क्या बोलते हैं? गेर्रा मुंडियाल, गेर्रा मुंडियाल, गेर्रा मुंडियाल, गेर्रा मुंडियाल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी तो एटलीस्ट रशिया यूक्रेन और वॉर इसको हम कैसे बोलते हैं स्पेनिश भाषा में, इसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो लोग स्पेनिश सीख रहे हैं और करंट इश्यूज़ पे कैसे बात करनी है जो लोग सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अगले पार्ट में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं, बाय बाय, अडियोस।